ओम शांति। आज साकार महावाक्य 15/8/2020 मधुर संतान माने प्रति पदक्षेपरे जहाँ सब घटुची ताहा कल्याणकारी अटे। एही ड्रामारे सबुठारु अधिक कल्याण से मानकर हेउची जेउ माने बाबांक स्मृति रे रहुचंती। प्रश्न, ड्रामार केउं रहस्य को जानिथिबा संतान माने अपार खुशी रे रही पारिबे? उत्तर, जेउ माने जानिछंती जे ड्रामा अनुसार एही पुराणा दुनिया रो विनाश हेबो, प्राकृतिक विपर्यय मध्य हेबो, किंतु आमर राजधानी निश्चित स्थापना हेबो, एथिरे केही किछि करि पारिबे नाही। जदिओ अवस्था तळ उपर हेबो तेबे बहुत उत्साहपूर्ण, केबे बहुत थंडा अर्थात मांदा होइजिबो, किंतु एथिरे चिंता करिवार नाही। समस्त आत्मा मानकर पिता भगवान आम को पाठ पढ़ाउछंती, एही खुशी रे रहिबाकु हेबो। ओम शांति। क्रमानुजाई पुरुषार्थ अनुसारे चैतन्य पतंग रूपी संतान मानकु बाबा याद प्यार देउछंती। तुमे सब हेउछ चैतन्य पतंग। बाबांकु ज्योति मध्य कहा जाउछि, किंतु तांकु बिल्कुल केही जानि नाहंती। ज्योति मध्य कौनसी बड़ आकृति नुहे, बिंदु रूप अटे। कहारि भी बुद्धि रे नथिब जे मो आत्मा बिंदु अटे। आत्मा मध्य रे सारा अभिनय भरी रहिछि। आत्मा एवं परमात्माकर ज्ञान आ कहारि बुद्धि रे नाही। तुमको मध्य बाबा आसी बुझाउछंती, आत्मार अनुभूति कराउछंती। आगरु एक कथा जणा नथिला जे आत्मा कौन एवं परमात्मा कौन। सेथिपाई देह अभिमान कारणरु पिलामानक ठारे मोह मध्य रहिछि, विकार मध्य बहुत रहिछि। भारत केते श्रेष्ठ थिला, विकारर नाम ही नथिला। ताहा निर्विकारी भारत थिला, एबे विकारी भारत होइ जाइछि। बाबांक परि सहज सुंदर भावे कौनसी भी मनुष्य बुझाई पारिबे नाही। आजकु 5000 वर्ष पूर्वे मु एही भारत को शिवालय कराई थिली। मु ही शिवालय स्थापन करी थिली, किपरी ताहा मध्य तुमे एबे बुझुच। तुमे जानिछ प्रति पादे पादे जहाँ किछि हेउछि ताहा ही कल्याणकारी। नित्य प्रतिदिन सेमानकर अधिक कल्याण होइथाय, जिए भल भावरे बाबांकु मने पकाई निजर मध्य कल्याण करुछंती। एहा हेउची कल्याणकारी पुरुषोत्तम हेबार जुग। बाबांकर केते महिमा हेउची तुमे जानिछ। एबे प्रकृत भागवतर पुनरावृत्ति हेउची। द्वापर जुगरे जेबे भक्ति मार्ग आरंभ हेउची, सेतेबेले प्रथमे तुमे मध्य हीरार शिवलिंग तयारी करी पूजा करुछ। एबे तुमर स्मृतिरे आसुची आमे पूजारी थिबा समयरे हीरा मोती माणिकर मंदिर तयारी करिथिलु। सेही चित्र त एबे मिलि पारिबो नाही। एठारे त एमाने चांदी इत्यादिर लिंग तयारी करि पूजा करुछंती। एपरि पूजारी मानंकु देख केते सम्मान रहिछि। शिवंकु पूजा त समस्ते करुछंती, किंतु अव्यभिचारी पूजा त हेउ नाही। एकथा मध्य पिलामाने जानिछंती, विनाश मध्य निश्चय हेबो। प्रस्तुति चलीछि, प्राकृतिक विपर्यय मध्य ड्रामारे निधार्य होइ रहिछि। केही केबे भी मुंड पिटंतु, तुमर राजधानी तो स्थापन निश्चित हेबो। कहार भी ताकत नाही जे एथिरे किछि विघ्न सृष्टि करि पारिबे। बाकी अवस्था तो तळ उपर निश्चित हेबो। एहा हेउछि बहुत श्रेष्ठ रोजगार। केबे तो तुमे बहुत खुशी रो ख्याल रे रहिबो, केबे ख्याल ठंडा पड़ी जेबो। यात्रा रो मध्य तळ उपर होइथांदी, एथिरे मध्य सेही परि हेउछंदी। केबे केते तो सकाळ उठी बाबांक स्मृति चारण रे बहुत खुशी लागिथाय। ओहो, बाबा आमको पढ़ाउछंदी केते आश्चर्य मध्य अटे। समस्ते आत्मा मानकर पिता स्वयं भगवान आमको पढ़ाउछंती।
सेमाने पुणी कृष्ण को भगवान भाभी ने छंदी। सारा दुनिया रे श्रीमद् भगवत गीतार बहुत मान रही कहीं ना भगवान बाज रही ना, किंतु एक कथा को जाना नहीं जे भगवान कहा को कहा जाए। जदियो केबे भी पदाधिकारी बड़ बड़ विद्वान पंडित आदि अच्छा कहुचंती मध्य गॉड फादर को मने पकाउछु, किंतु से केबे आसिले आसी कौन कले ए सब भूली जायछंती। बाबा एक कथा बुझाउछंती ड्रामा को ड्रामारे ए सब निधार्य होई रहिछि। एही रावण राज्य पुणी मध्य हेबो एवं मोते आसीबा को पड़िबो। रावण ही तुमको अज्ञानर खोर अंधकार रे सुआई देछि। ज्ञान तो केवल एक ज्ञान सागर ही देथांती जहा द्वारा सद्गति होई थाए। बाबा को व्यतीत आओ केही सद्गति करी परिबे नहीं। बाबा कल्प पूर्वरु मध्य करी थिले एबे मध्य तुमको कहुछंती एही ज्ञान तुमको एबे मिलुछि, पुणी एहा परे जाई प्रारब्ध भोग करिबो, ता परे आउ एही ज्ञानर आवश्यकता रहिबो नहीं। मनुष्य तो बाबा को ही जाणि नहांती, जेउ ड्रामार अभिनेता होइछंती सेही ड्रामार रचयिता निर्देशक आदि को जाणि नहांती, तेबे बाकी किए जानिबे। एबे तुमको बाबा बताउछंती ड्रामा अनुसार एसबो पुणी भी एही भली हेबो। बाबा आसी तुम मानको पुणी मध्य पढ़ाइबे, एठाकु अन्य केही आसी पारिबे नाही। बाबा कहउछंती मु पिला मानको ही पढ़ाउछी, नुआ कहाकु एही क्लास मध्य रे बसाई पारिबो नाही। इंद्रप्रस्थर कहानी मध्य रहिछि ना, नीलम परी उक्रास परी मानक नाम रहिछि ना, तुम मानक मध्य रे भी केही हीरातुल्य रत्न अछंदी। देख रमेश प्रदर्शनी सेवार एपरी उपाय बाहर कले जहा द्वारा समस्तंकर विचार सागर मंथन चलिला। तेणु हीरातुल्य काम कले ना, केही पुखराज मणि त केही आउ किछि, केही त बिल्कुल किछि मध्य जानि नहांती। एकथा मध्य जानिछ जे वर्तमान राजधानी स्थापना हेउछि, सेथिपाई राजा राणी आदि सबु दरकार। तुम्हें जानिछ आमे ब्राह्मण माने श्रीमत आधार रे पाठ पढ़ी विश्वर मालिक हेउछु, केते खुशी हेबा दरकार। एही मृत्यु लोक शेष होइजिव। ब्रह्मा बाबा तो एबे ही बुझुछंती जे मु जाई राजकुमार हेबी। शैशव अवस्थार कथा सबु एबे ही मने पड़ी जाइछि, चलणी ही बदली जाउछि। सेही परी सेठारे मध्य बुढ़ा हेले भाबिबे जे एबे ही बानप्रस्थ शरीर को छाड़ी मु बाल्यावस्था को चली जिबी। शैशव हेउछि सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण हेउछंती युवक। विवाहित को कण किशोर अवस्था कहा जिव कि युवा अवस्था को रजु, वृद्ध अवस्था को तम कहा जाए। सेथिपाई कृष्ण का प्रति अधिक स्नेह रही थाए। सेही राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हेउछंती, किंतु मनुष्य माने एक कथा जानि नहांती। कृष्ण को द्वापर को लक्ष्मी नारायण को सत्य युग को नहीं जाइछंती। एबे तुम्हें देवता हेबार पुरुषार्थ करुछ। बाबा कहउछंती कुमारी मानको सेवारे आगभरा हेबा उचित। कुमारी कन्या अधर कुमारीकर मंदिर दिलवाड़ा इत्यादि जेउ सब मंदिर अछि ताहा तुम मानक ही अविकल स्मारकी अटे। ताहा हेला जड़, एहा हेला चैतन्य। तुम्हें एठारे चैतन्य रे बसीछ, भारत को स्वर्ग करुछ। स्वर्ग तो एहिठारे ही हेब। सूक्ष्म वतन मूल वतन केउठी अछि तुमको एसब किछि जणा अछि। सारा ड्रामा को तुम्हें जानिछ, जहाँ अतीत होई जाइछि ताहा पुणी भविष्यत होई पुणी अतीत हेब। तुमको किए पढ़ाउछंती एही कथा बुझाइबा को हेब। आमको भगवान पढ़ाउछंती, बास खुशी रे विभोर होई जिबा दरकार।
बाबा स्मृति द्वारा सबु अशुद्धि बाहरी जाउछि। बाबा आमर पिता मध्य अटंती आमको पढ़ाउछंती पुणी साथी रे नै जिवे निजको आत्मा भावी परमात्मा पितांक सहित एही परी कथा हेबा उचित। बाबा कहउछंती विचार सागर मंथन करी उपाय बाहर कर जे किपरी समस्तंको जाग्रत करिबा। ड्रामा अनुसार जाग्रत मध्य हेबे। ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलुछि। अच्छा धारणा पाई मुख्य सारांश एक नंबर सर्वदा एही स्मृति रे रहिबाकु हेबो जे आमे गोपी बल्लभंकर गोप गोपी अटु। एही स्मृति रे सर्वदा खुशीर पारद चढ़ी रहु। दुई नंबर वर्तमान पर्यंत जहाँ किछि पढ़िछ से सबको बुद्धिरु भूली बाबा जहाँ सुनाउछंती ताको ही पढ़िबाकु हेबो। आमे भाई भौणी अटु एही स्मृति द्वारा विकारी दृष्टि को समाप्त करिबाकु हेबो। माया ठारु हारिजिबार नाही। बरदान रियलिटी अर्थात वास्तविकता द्वारा रियलिटी अर्थात राजकीयतार प्रत्यक्ष रूप देखाउथिबा साक्षात्कार मुरत हुआ। वर्तमान एभली समय आसीब पाई जाउची जहाँ की प्रत्येक आत्मा प्रत्यक्ष रूप से निजर वास्तविकता द्वारा राजकीयतार साक्षात्कार कराइबे। बास प्रत्येक समय रे माळारे दाना गुड़िकर क्रमिक संख्या एवं भविष्यत राज्य पदर स्वरूप उभय प्रत्यक्ष हेबो। वर्तमान रेस करुथिबा समय रे जेउं टिके रिस अर्थात ईर्षारूपी धूलीर परदा चमकुथिबा हीरा को लुचाई देउछि शेष समय रे सेही परदा हटिजिबो एवं लुचिथिबा हीरा गुड़िक निजर प्रत्यक्ष संपर्ण स्वरूप रे आसीजिबे। राजकीय परिवार रा सदस्य माने वर्तमान ठारु निजर राजकीय संस्कार को प्रत्यक्ष करिबे अर्थात निजर भविष्यतर पद को स्पष्ट करिबे। सेथिपाई वर्तमान निजर वास्तविक स्वरूप आधार रे राजकीयतार साक्षात्कार कराओ। स्लोगन जे कोनोसी विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करी समर्थ को प्रत्यक्ष कर। ओम शांति।